हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस बाय एमके में। और इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ईएसपी एंड डीएसपी, ईएसपी और डीएसपी में क्या अंतर होता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ईएसपी की फुल फॉर्म, क्या नाम होता है पूरा ईएसपी का। तो ईएसपी की फुल फॉर्म होती है हमारी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसके बाद है सेकेंड पॉइंट है हमारा क्लास वन ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये केंद्र सरकार का ए ग्रेड का ऑफिसर होता है। चार ग्रेड होती है हमारी ए बी सी डी। सबसे ऊँची ग्रेड होती है ए, तो ये ए ग्रेड का ऑफिसर होता है केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ना कि राज्य सरकार द्वारा। पॉइंट नंबर थ्री हमारा रिक्रूटमेंट थ्रू यूपीएससी। इसका जो चुनाव होता है वो यूपीएससी के थ्रू होता है। एक एग्ज़ाम होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, केंद्र सरकार कंडक्ट कराती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से शॉर्टकट में हम यूपीएससी बोलते हैं, उसके द्वारा हमारा एएसपी का चुनाव होता है। पॉइंट नंबर फोर है हमारा डायरेक्टली इंडक्ट थ्रू आईपीएस। जब ये जो पोस्ट होते हैं हमारी ईएसपी की, डायरेक्टली आईपीएस द्वारा मिलती है। जब हम यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, तो इसमें कई सारी पोस्ट होती है। इसमें एक पोस्ट होती है आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। इसके थ्रू हमें सीधे ईएसपी की पोस्ट मिलती है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीधे आईपीएस के थ्रू मिलती है। अगला पॉइंट हमारा इंसाइनिया, मतलब क्या पहचान है ईएसपी की। इसमें थ्री स्टार विथ आईपीएस बैच, तीन स्टार होते हैं, उसके नीचे आईपीएस का बैच होता है। ये है पहचान हमारी ईएसपी की। अगला पॉइंट हमारा ये ट्रेनिंग लेवल पोस्ट। ये एक ट्रेनिंग लेवल पोस्ट होती है ईएसपी की, जो पोस्ट होती है जब हम आईपीएस के थ्रू जब हमारा सिलेक्शन होता है तो इसकी 3 साल की ट्रेनिंग होती है। तो ये ट्रेनिंग लेवल की पोस्ट होती है हमारी ईएसपी की। अगला पॉइंट है हमारा ईएसपी इज बिगर देन डीएसपी। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है वो जो होता है डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से बड़ा होता है। अगला पॉइंट है हमारा आफ्टर पुटिंग 4 ईयर्स ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग ट्रेनिंग ईएसपी बिकम एडिशनल एसपी। 4 साल की जो ट्रेनिंग लेवल, 3 साल की ट्रेनिंग होती है और 1 साल ही जॉब करते हैं, तो इसके बाद 4 साल बाद सीधे ईएसपी को एडिशनल एसपी बना दिया जाता है, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बना दिया जाता है 4 साल बाद सीधे। और लास्ट पॉइंट हमारा यूजुअल रिटायर एज एडीजीपी और डीजीपी। इसका जो रिटायरमेंट होता है वो एडीजीपी और डीजीपी की पोस्ट पे रिटायरमेंट होता है। एडीजीपी होता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और डीजीपी होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये पुलिस रैंक की सबसे बड़ी पोस्ट होती है। एएसपी का रिटायरमेंट जब 60 साल हो जाते हैं तो इस पोस्ट पर जाके उनका रिटायरमेंट होता है। अब देखते हैं हम डीएसपी के बारे में। डीएसपी की फुल फॉर्म होती है हमारी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑल्सो नोन एज डीवाईएसपी, एसडीपीओ और सीओ। डीवाईएसपी का मतलब होता है, डीवाई होता है हमारा डिप्टी, एसपी है हमारा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसडीपीओ इसका मतलब होता है सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, और सीओ का मतलब होता है सर्कल ऑफिसर। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लास वन ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये क्लास वन ऑफिसर होता है स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का ए ग्रेड का ऑफिसर होता है डीएसपी। जबकि जो हमारा एएसपी था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ए ऑफिसर था, ए ग्रेड का ऑफिसर था। थर्ड पॉइंट है हमारा रिक्रूटमेंट थ्रू स्टेट पब्लिक सर्विस लाइक एमपीपीएससी, एमपीएससी, ईटीसी। इसमें का जो चुनाव होता है, रिक्रूटमेंट होता है, वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम जो देते हैं हम, जब पीसीएस या पीएससी का, तब हमें डीएसपी की पोस्ट मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आईपीएस आफ्टर 6 to 10 ईयर्स। जब हम डीएसपी की पोस्ट लेते हैं इसके बाद हमें आईपीएस जितनी पावर या आईपीएस जितनी उन्नति जो मिलती है, वो 6 से 10 साल तक काम करेंगे हम डीएसपी की पोस्ट पर, तब हमें आईपीएस जितनी पावर मिलेगी। जबकि हम यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो हमें सीधे आईपीएस बनाया जाता है, सीधे एएसपी की पोस्ट मिलती है आईपीएस के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं इंसाइनिया, मतलब क्या पहचान होती है डीएसपी की। 3 स्टार विथ स्टेट नेम बैच। इसमें 3 स्टार होते हैं, उसके नीचे स्टेट नेम का बैच होता है। जिस स्टेट का डीएसपी होता है उस स्टेट का बैच होता है।
जबकि एएसपी में ये होता था 3 स्टार के साथ आईपीएस का बैच होता था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नॉट ए ट्रेनिंग लेवल पोस्ट। ये एक ट्रेनिंग लेवल पोस्ट नहीं है, सीधे डीएसपी की पोस्ट मिलती है जब हम स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देते हैं तब। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डीएसपी इज जूनियर टू एएसपी। जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है ये एएसपी से छोटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आफ्टर 8 to 12 ईयर ऑफ सर्विस डीएसपी बिकम एडिशनल एसपी। ये 8 से 10 साल तक काम करेगा डीएसपी, उसके बाद उसे एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाया जाएगा। जबकि एएसपी जो था वो 4 साल काम करता था तो उसे 4 साल बाद ही ये एडिशनल एसपी बना दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है यूजुअल रिटायर एज डीआईजी और आईजी। इसका जो डीएसपी का रिटायरमेंट होता है वो डीआईजी और आईजी की पोस्ट पे होता है। डीआईजी की फुल फॉर्म होती है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और आईजी की होती है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीएसपी का रिटायरमेंट इस पोस्ट पे जाके होता है जबकि एएसपी का रिटायरमेंट डीजीपी या एडीजी की पोस्ट पे होता था। तो दोस्तों ये थी डीएसपी और एएसपी का डिफरेंस। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।